अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। बिल्कुल दूर है। हजरत मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह ने देखा कि 50 साल से यह तहरीक चल रही है, इसका नतीजा क्या निकला, इसका नतीजा क्या निकला। इस तरह तो सारे अहले हदीस मार दिए जाएंगे। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि अंग्रेजों से इतना कहा कि आप तो जो महाज पर लड़ रहे हैं उनको भी वहां भी बोलते हैं, जो अंदर हैं उनको भी वहां भी बोलते हैं। तो अंदर जो लोग हैं वो महाज पर तो नहीं गए ना, अंदर जो लोग हैं उनको अहले हदीस रजिस्टर्ड कीजिए, उनको अहले हदीस रजिस्टर्ड कीजिए। इस तरीके से उन्होंने बचे खुचे अहले हदीसों को बचाने की कोशिश की। बड़े आदमी ने बड़ा काम किया। ऐसा नहीं हजरत, अब ये अहले हदीस हजरत जो लोगों से ये कहते हैं साहब हम आपकी नमाज तो कूफी नमाज है, हमारी नमाज तो मोहम्मदी नमाज है, हम तो रसूलुल्लाह वाली नमाज पढ़ते हैं, हम फिरकाए नाजिया है, उम्मत का सिवादे आजम है, हम ही मवाहिद हैं, हम ही इस्लाम के ठेकेदार हैं। मैं आपको बता दूं ये अहले हदीस फिरके को नाम 1884 3 दिसंबर, उलमा खास तवज्जो दे कि 1884 3 दिसंबर को मलिका विक्टोरिया ने इन्हें अहले हदीस नाम दिया। किताब का नाम है सीरते सनाई जो इन्हीं के यहाँ से छपी है। मौलाना हुसैन बटालवी इनके बहुत बड़े आलिम थे, बहुत सड़े आलिम थे। उन्होंने मलिका विक्टोरिया के बारगाह में जाकर कदम बोसी की और उसके गोल्डन जुबली के मौके पर 50 साल उसके जश्न विलादत के मौके पर उससे कहा है मलिका आलिया लोग हमें वहाबी बागी मुफसिद कहते हैं, आप हमें कोई अच्छा सा नाम दे, मैं उलमा की मौजूदगी में मिंबरे रसूल पर फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस और जामिया फैजुर रसूल के ग्राउंड में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ मलिका विक्टोरिया के हुजूर में चापलूसी और कदम बोसी की मौलाना हुसैन बटालवी ने और एक अर्जी लिखी, आप हमें कोई अच्छा सा नाम दे। मलिका विक्टोरिया ने 3 दिसंबर 1884 को इन गदहुल लजी खर दिमाग बेदाल के बूदम चुगत घामड़ अख्तसुनास नुतफे ना तहकी खारिजुल बशर वल आदमिया वल इंसानिया वल हैवानिया कौम को अहले हदीस नाम दिया। तीन दिसंबर 1884 को मलिका विक्टोरिया ने अहले हदीस नाम दिया। अजीब बात है कि 1884 से पहले अहले हदीस नाम का कोई फिरका नहीं था, कोई फिरका अहले हदीस नाम का नहीं था। अगर था और तुम्हारे दम में दम है तुम साबित कर दो। इस हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाले गैर मुकल्लिद थे, हदीस पढ़ाने वाले गैर मुकल्लिद थे, मदारिस बनाने वाले गैर मुकल्लिद थे, इस्लाम की शमा रोशन करने वाले गैर मुकल्लिद थे। नहीं, रब्बे काबा की कसम कयामत की सुबह तो आ सकती है, वो दिन नहीं आ सकता। हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाले हनफी गरीब नवाज महमूद गजनवी, हिंदुस्तान में इल्मे हदीस पढ़ाने वाले शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, इमामुल हिंद हजरत शाह वली उल्लाह मुहद्दिस दहलवी, ये सब के सब हनफी, इस्लाम लाने वाले हनफी, इस्लाम को फैलाने वाले हनफी, हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले हनफी। आज जो इस्लाम जगमगाता नजर आ रहा है ये हनफियों की वजह से है। आपको पैदा ही अंग्रेजी दौर में हुए। अच्छा एक बात और बता दूं, एक लतीफ नुक्ता दे दूं जो इससे पहले आपने नहीं सुनाऊंगा, रखे रहो आप अपने पास। आप घर जाएं, खास तौर से कैलेंडर पर देखें 3 दिसंबर को क्या है। 3 दिसंबर को एक और वजह से खास दिन है, वो वजह क्या है। 3 दिसंबर को वर्ल्ड हैंडीकैप डे है, जो लोग हाथ पैर से माजूर है उनसे हमदर्दी जताने का दिन, उनसे जैसे होता ना टीचर्स डे, फादर डे, मदर डे, वैलेंटाइन डे, वैसे ही एक है वर्ल्ड हैंडीकैप डे, जो लोग हाथ पैर से माजूर है 3 दिसंबर को उनका दिन है, उनसे हमदर्दी जताने का दिन। अजीब बात है, जो दिन माजूर बदन से, जो दिन हाथ पैर से माजूरों का था उसी दिन दिमाग से माजूर लोगों को अहले हदीस नाम दिया गया। आला हजरत, आला हजरत, आला
इश्क मोहब्बत आला हजरत आला।